ओम नमः शिवा ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के प्रांगण में हम प्रवेश कर रहे हैं। छोटे छोटे 124 मंदिरों का समूह जो भगवान शंकर जी की अनुपम छटा और मनोहर दृश्य को दर्शाता है और इसी के मुकुट पर सुंदर सा देवदार का वृक्ष जिसकी आराध्य माँ भगवती जगदम्बा पुष्टि देवी हैं। देवदार बने पुष्टिम कश्मीर मंडले मेधा हिमाद्री देवी हिम तुष्टि विश्वेश्वरम। इसी के साथ साथ हम यह ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मुख्य द्वार पर मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर नारेशम द्वारुका बने। सौराष्ट्र सोमनाथम चौसी सैल मल्लिकार्जुनम उज्जिनाम महाकालम ओमकार मंगलेश्वरम परलया वैद्यनाथम चौटांकन्याम विभीषणकरम सेतुवंदेतु रामेश्वरम नागेशम द्वारकावन। नागेशम द्वारकावन यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ज्योतिर्लिंग के भगवान के द्वार में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। इसी के साथ साथ हम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर नागेश्वर द्वारका वन में ओम गणानां धाम गणपति हवामहे प्रियाणां धाम प्रिय पति हवामहे निधीनां धाम निधिपति हवामहे वसो मम आहम जामि गर्वधमा त्वं जासि गर्वधनम्। ये भगवान शंकर जी का अर्धनागेश्वर स्वरूप है। यहाँ पर भगवान शंकर माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी के साथ विराजमान हैं और आप देख रहे होंगे कि यह धीरे 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 इस पर गणेश भगवान की आकृति का उद्गम हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्थान पर एक माह तक तपस्या करी और इन्हीं चंद राजाओं को उन्होंने यहाँ पर भगवान के सम्मुख सेवा करने का आदेश दिया। तब से यहाँ पर चंद राजा और त्रिवेंद्री राजा दोनों भगवान के सम्मुख दीप और संकल्प लिए हुए खड़े हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र यही एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शंकर जी की शैया और आरती होती है, जहाँ भगवान शंकर जी को सुलाया जाता है। ब्रह्मांड में ऐसा रमणीय स्थल और ऐसा अद्भुत भगवान शंकर जी का स्वरूप अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। जय जागेश्वर धाम, जय जागेश्वर।